राधा स्वामी जी, आपने दो शब्द सुने हैं, एक अशोक जी ने गाया जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में दर्ज है। मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने किन को संबोधन किया, उन्होंने राम राय का नाम लिया है, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। अब वहाँ सवाल पैदा होता है कि संत कौन है, उन्होंने लिख दिया कि संतों का है तू, सबका नहीं है संतों का है, तो संत कौन है, पहले तो सवाल ये पैदा होता है। और आखिर की लाइन में उन्होंने कह दिया कि कहे नानक, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सतगुरु बड़ा है, सतगुरु बड़ा है। तो सतगुरु के पास जाकर क्या मिलता है। दूसरा शब्द सुना आपने जिसमें नाम की महिमा गाई गई है, सतगुरु के पास पहली बात यह कि संत और सतगुरु में बहुत बड़ा फर्क है। साधारण इंसान, साधु, सत्संगी, फिर हंस, फिर परमहंस, फिर संत, फिर परम संत, ये स्टेजेस हैं राधा स्वामी मत की, गुरु मत की। अब आप सोच लो कि आप कहाँ हैं। हम साधारण लोग हैं, एक साधु होता है, फिर साधु के बाद एक सत्संगी आता है, सत्संग जो सत्य की खोज में है वो सत्संगी है। ऐसे नहीं नाम ले लिया कि मैं सत्संगी बन गया, ना, जिसने कमाई नहीं की वो सत्संगी हो ही नहीं सकता, जिसने गुरु की वाणी पर चलकर अपना जीवन नहीं गुजारा वो सत्संगी हो ही नहीं सकता, वो कहने के लिए सत्संगी बन गया है, वो सत्संगी है नहीं। क्योंकि मैं तो, मेरे तो जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं हम अपने आप को हम सत्संगी हैं जी, हमने नाम लिया हुआ है, लेकिन उनके घर का हाल सुनो तो दिल कांप जाता है, दिल कांप जाता है। मैं बताऊंगा आपको, मुझे कल परसों जो मेरी बात हुई। फिर साधु आता है, सत्संगी के बाद साधु बनता है, साधु के बाद हंस बनता है। हंस होता है जो सच्चाई को पकड़ता है, झूठाई को छोड़ देता है, दूध को पीता है पानी को छोड़ देता है, वो हंस बनता है। परमहंस कौन होता है, जो केवल दूध में रहता है, जो केवल प्रकाश में रहता है, और वो ही संत होता है, उसी को परम संत हंस कहते हैं, जो प्रकाश में रहता है वो ही संत है। अब वो जो शब्द गुरुवाणी का है वो संत के लिए कहा गया है। हम आप लोग तो संत हैं नहीं, मैं भी नहीं संत हूँ, तो संत तो वो जो है जो हर वक्त प्रकाश में रहता है और कभी कभी वो अपने चोले में आता है, वो संत कहलाता है। और संत को बनाने वाला कौन है, कहाँ से बना वो संत, अपने आप बना, सतगुरु ने उसको संत बनाया, सतगुरु ने उसको रास्ता बताया कि तू ऐसे चल और वहाँ पहुँच जा, वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें पता चलेगा तू कौन है। बात मेरी समझ गए। और फिर जहाँ कहाँ कहाँ, वो नाम के सहारे जाएगा। नाम कहाँ मिलेगा, साधु समग में मिलेगा, जहाँ सत्य संग हो रहा है, जहाँ कीर्तन हो रहा है, या जहाँ संकीर्तन हो रहा है, या तालियाँ बज रही हैं, वहाँ मनोरंजन हो सकता है, जहाँ द्वापर की कथा या त्रेता युग की कथा की जा रही है वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो होगा किसी सत्पुरुष की चरणों में बैठकर उनकी अनुभवी वाणी को सुनना और उस पर चलकर ही चलना। बात मेरी समझ गए आप। तो ये दोनों शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया। अब सवाल पैदा होता है कि इस लाइन पर चलने के लिए क्या करना है, करना क्या है, तभी तो पता चलेगा। जब हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम इस लाइन पर चल नहीं सकते। तो मैं उसके लिए आपको दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुनाता हूँ, जो दाता दयाल जी महाराज ने कहा है। दो चीज़ें हैं संसार में, ये संसार जितना भी है ये हमारे मन का है, मन और माया का है। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। मैं और पीछे जाता हूँ, और थोड़ा पीछे जाता हूँ। हमारा मन विचार निकालता है, लेकिन क्या मन
अपने आप विचार बनाता है? क्या मन में कोई ऐसी ताकत है कि वो अच्छा विचार बनाए? नहीं है। मन बनता है हमारी खुराक से, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। मेरी बात को पकड़ते जाना, मैं गहराई से बात करता हूँ, ऊपर ऊपर की बात नहीं करता। जैसा अन्न हम खाएंगे, भोजन करेंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा। अगर भोजन ही गलत है, अगर भोजन ही गलत कमाई से है, अपनी हक हलाल की कमाई का नहीं है, 420 का है, झूठ का है, हेरा फेरी का है, तो मन कभी भी शुद्ध विचार नहीं कर सकता। चाहे वो किसी संत के पास जाए, चाहे वो किसी परम संत के पास जाए। हाँ, एक हो सकता है कि शायद सत्संग में जाकर उसका मन परिवर्तित हो जाए, सत्संग में जाकर उसकी रहनी में फर्क आ जाए, सत्संग में जाकर उसका खाना पीना, उसका कर्म, उसकी कमाई में परिवर्तन आ जाए। ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, जिसके करने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। दुनिया तैयार नहीं है, नाम लेने के लिए तैयार है। नाम, अब नाम लेने वालों की आपको मैं कथा सुना देता हूँ, जो मेरे साथ कल या परसों बीती, मैं वहाँ भी बताया, अब आपको भी बता देता हूँ। मुझे परसों एक टेलीफोन आया पूना से, लड़का रो रो कर मुझे कह रहा है कि महाराज जी हमारी रक्षा करो, बाबा जी हमारी रक्षा करो। मैंने कहा क्या हो गया भाई आपको, तुम बात करो, किस लिए याद किया है? हम बहुत तंग हैं बाबा जी, हम बहुत, हमारा घर बर्बाद हो रहा है, हमें ये हो गया वो हो गया। मैं कहा अच्छा तू क्या करता है? मैं इंजीनियर हूँ जी, बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। और मैं कहा तेरी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपया है। वाह वाह, मैं क्या और क्या चाहिए, 2 लाख रुपया आपको महीने का मिलता है, लेकिन घर बर्बाद हो गया। मैं कहा अच्छा, आप लोगों ने नाम लिया हुआ है? हाँ जी, नाम भी लिया हुआ है, माँ ने भी लिया हुआ है, पिता ने भी लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है। मैंने नाम भी पूछा किस डेरे से लिया, किस महापुरुष से नाम लिया, मैं वो नहीं बताऊँगा आपको। मैंने कहा आपने एक ऐसे सतपुरुष से नाम दान लिया और इतने महान स्थान से नाम लिया, तो तुम कहते हो कि हमारा सबको नुकसान हो रहा है, अपने पिता से बात करवाना, अपनी माता से बात करवाना। मैं नामधारियों की बात बता रहा हूँ। कहता जी पिताजी, मैं बाबा जी आपको अपने पिता से 8 बजे बात करवाऊँगा, मैं तैयार रहता हूँ। जब मैंने वचन दे दिया तो 8 बज गए, 8:05 हो गए, कोई टेलीफोन नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया कि मेरे पिताजी अभी घर नहीं आए। मैं कहा चलो मालिक को ऐसा ही मंजूर होगा, कोई बात नहीं। कल सुबह 8 बजे मैंने सोचा कि मैंने कोई कहा था किसी को तो मैं ही टेलीफोन कर लेता हूँ, मैं ही क्यों ना टेलीफोन करूँ। तो मैंने उस लड़के को टेलीफोन किया, तो मैंने कहा अपने पिता से बात करवाओ। पिता उसका बेचारा कहानी बनाने लग गया जी, ये हो गया वो हो गया, हमें नाम भी लिया हुआ है। मैं कहा तुमने नाम ही नहीं लिया, तुमने अपने गुरु की इज्जत ही नहीं की, तुमने अपने काज भी धोखा किया और गुरु को भी धोखा दिया है। कहता जी मैं क्या करूँ, मेरी पत्नी नहीं मानती। अरे वाह, वो मेरी आज्ञा के अलावा सारा काम करती है, कभी मेरे से सलाह नहीं करती, कभी बैठती नहीं है, कुछ नहीं करती। मैं कहा अच्छा चल, तेरा दुख सहन लिया, मैं मेरी अपनी पत्नी से बात करा, कर लेगी। आ गई, वो भी टेलीफोन पर आ गए। उसने एकदम ही राधा स्वामी कहा और दवा दब दवा दब दवा दब बोलना शुरू कर दिया, बहुत कहानियाँ पाती, जे करती हूँ मैं वो करता हूँ, जे ये करते हैं वो करते हैं। मैं कहा बीबी जी मैंने आपको फोन किया है, मैंने कुछ आपसे बात करनी, मैंने आपकी नहीं सुननी, आपका मुझे पता लग गया, आप दुर्गा रूप हो, आप दुर्गा रूप हो, तुम लक्ष्मी रूप नहीं हो, तुमने दुर्गा रूप बनकर अपने घर का सत्यानाश कर लिया, तुम खाना बनाती हो तो भी कुढ़ रही हो,
तुम्हारे दिमाग में हर वक्त गुस्सा रहता है, तुम अपने पति की कोई इज्जत नहीं करती हो, तुम उसका कहना कोई नहीं मानती हो, तुम ये कहते हो तुम्हारा सारा सब कुछ बेड़ा बर्बाद हो जाएगा। और मैंने फिर वो सुना दी, बाबा फकीर की बात सुना दी, मेरे बाबा जी ये कहा करते थे, जिस घर कला कलंतर बसे तिस घर पानी कड़ो नसे। फिर और भी बहुत कुछ कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनी आपने, मैं कहा बीबी जी बताइए, तुम घर की मालिक हो, कौन घर का मालिक है, गृहिणी तुम हो या तेरा पति है, तुम तो उसकी बात ही नहीं सुनती हो, इसलिए याद रखना तेरी लड़की यहाँ भी जाएगी वहाँ वो भी यही खेल खेलेगी। मैं बोल अब क्या कहना चाहती हूँ, बाबा जी तुसी ठीक कहते हो, साडा सब कुछ बर्बाद हो गया, क्यों बर्बाद हुआ बोलो। मैंने कहा किसी ने मंत्र किया, तुम नाम नहीं जपती नंबर वन, तुम में प्रेम नहीं है नंबर दो, तुम कला करती हो नंबर तीन, जहाँ कला है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। अगर आपको कोई बात करनी हो मेरा टेलीफोन हमेशा नंबर तेरे बेटे के पास है, मेरे से बात कर सकती हो, मैं सेवक हूँ आप लोगों का, मैं राधा स्वामियाँ हूँ। और मैं राधा स्वामी नाम से कोई कहे कि हम दुखी हैं, राधा स्वामी भी कहलाते हैं दुखी हैं, तो वो राधा स्वामी है ही नहीं। क्या कहा मैंने उसको, राधा स्वामी होकर गुरु का नाम लेकर अगर कोई कहता कि मैं दुखी हूँ तो तुमने गुरु के नाम को समझा ही नहीं है। गुरु का नाम क्यों नहीं हम जपते, हम गुरु के नाम के ऊपर कुर्बान क्यों नहीं होते। आपको शब्द सुनाता हूँ दाता दयाल जी महाराज का, हम सब मन के मारे हुए हैं, हम सब मन का कहना मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते। गुरु को तो इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, डेरे से बस बैठे वहाँ खाना खाया और जैसे बाहर गए सब कुछ भूल गए, कोई नहीं कुछ नहीं लेना ना देना। बात समझ गए मेरी बात। अब दाता दयाल क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने मन को समझो तुम क्या हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे बाबा फकीर ने तो मुझे ही बता दिया कि बेटा तू क्या करना है, तू मन की किताब पढ़ ले, बस मेरा तो कल्याण हो गया। मुझे मन की किताब दे दी और मैं मन को समझ गया। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना कुछ समझते हुए इतना कुछ जानते हुए बाबा फकीर को अपने साथ समझते हुए फिर भी मन मुझे कभी कभी मार देता है, मुझे भी चक्कर में डाल देता है। और जब मुझे फिर याद आता है, मेरे सतगुरु की वाणी याद आती है, तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, अपने मन को एकदम पीछे कर देता हूँ कि तू तो है ही नहीं, तू तो मेरा दयाल बना ही नहीं, तू तो अभी भी काल बना हुआ है, मेरा मन ही काल है और मन ही दयाल है, इसको दयाल बना लो तुम बच जाओगे। जब तक इसके काल के चक्कर में हो, दुनिया की बातें रखते हो, दुविधा में पड़े हुए हो, कभी उसका सोचते हो कभी उसका सोचते हो, और गुरु को समझते हो वो तो डेरे में बैठा है ना, तुम गलती करोगे करोगे करोगे, क्योंकि तुमने गुरु को अपने साथ समझा ही नहीं है। बात समझ रहे हो, अब सुनो क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज। छोड़ो मन के ताना बाना, यही लाइन, छोड़ो मन के ताना बाना। दाता दयाल जी महाराज ने बहुत उच्च कोटि की बात कही है। ताना बाना क्या होता है, ताना बाना कपड़े का होता है, एक ये ताना है और ये बाना है, ये लंबा धागा ताना है, ये छोटा धागा बाना, तब कपड़ा बना ना। तो हमारा मन हमारे जीवन का ताना बाना है, हमारे जीवन की किताब है, हमारे जीवन की चादर है, हमारे जीवन को बनाने वाला मन है ताना बाना। समझ गया ना मेरी बात को, ख्यालों की दुनिया का एक चादर बना देता है ये, ख्यालों की दुनिया में तुम्हें भरमा देता है ये,
तो वो कहते हैं इसके ताने बाने को छोड़ दो। कभी ये ऐसा सोचता है, कभी ये ऐसा सोचता है, कभी ऊपर की उड़ानी लगाता है, कभी जमीन से भी नीचे चला जाता है। जाता कि नहीं जाता, अपने आप को पूछो तुम्हारा मन क्या करता है। सारा दिन ताना बाना, कभी किसी के बारे में अच्छा, कभी किसी के बारे में बुरा, कभी खुश होता है, कभी नाराज हो जाता है। ये सारा क्या है? ताना बाना ही तो है। कभी किसी को अपना बनाता है, कभी किसी को शत्रु बना लेता है। ये सारा ताना बाना है। इसलिए दादा दयाल कहते हैं, ऐ मेरे पढ़ने वालों, ऐ मेरी वाणी को सुनने वालों, अपने मन के ताने बाने को बंद करो, फिर क्या करो, आगे क्या करो, आगे चलो। छोड़ो मन के ताना बाना, जब लगे दुविधा बसइए में, जब लगे दुविधा बसइए में, तब लग नर दीवाने, तब लग नर दीवाने। छोड़ो मन के ताना बाना। आप वो कहते हैं जब तक तुम्हारे मन में दुविधा है, तू ही है, दो बना है, दो पना है, तब तक तुम दीवाने बने रहोगे। दीवाना कौन होता है? जो ठहरता नहीं, जो ठहरता नहीं, खड़ा नहीं होता कहीं। दीवाने लोग जो मस्त होते हैं ना, जिनकी अकल ठिकाने नहीं रहती या जिनका मन ठिकाने नहीं होता, वो बस तोड़े रहते हैं। कभी कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा, कभी किसी। वो दीवाने, जो दीवाना नहीं है वो ठहरा हुआ है, वो दुविधा में नहीं है। दुविधा कबीर साहब ने भी कहा है, वो उसमें बड़ा प्यारा शब्द है कबीर साहब का, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से जारी क्या। कबीरा दुई को दूर कर, कबीरा इश्क का मादा, आखिरी लाइन में है, दुई को दूर दिल सर से, दुई को दूर दिल कर, दिल से अपने दिल से दुई को दूर कर दे, के गुरु मेरा होशियारपुर रहता है, गुरु मेरा वहाँ रहता है, गुरु मेरा वहाँ रहता है। अब बड़े दौर से लोग कहते हमने वहाँ से नाम लिया हुआ है, हमारे गुरु वहाँ हैं। वाह, अभी भी तुम्हें पता नहीं लगा कि गुरु का नाम क्या होता है। तुम वहाँ कहते हो फिर तुम नहीं वहाँ पहुँचोगे, तुम दीवाने हो गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है। कोई कहता मैं दादूपंथी हूँ, कोई कहता मैं निरंकारी हूँ, कोई कहता है मैं नामधारी हूँ, कोई कहता है कि मैं पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं लोग। मन मन में मैं क्या कहूँ आपको, सुनो मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंसान का जीवन बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, मैं अपने बारे में कहता हूँ, दूसरों के बारे में। मैं माँ की गोद में था तो केवल बच्चा था, बेटा था, बेटा था ना, तब मुझे बेटा कहते थे। मैं माँ को मैं माँ कहता था, बाप को बाप कहता था। फिर बड़ा हुआ, भाई आ गए, भाई है बहन है, फिर भाई बन गया, भाई बहन बन गया, फिर शादी हुई, फिर पति बन गया, क्या कहा मैंने, फिर बच्चे हुए, बाप बन गया। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चों के बच्चे हो गए तो दादा बन गया, बन रहा हूँ ना। अगर लड़की लड़की के लड़का हो जाए तो नाना बन जाता है आदमी, दोती हो जाए तो नान तो भी नाना बन जाता है। एक ही आदमी है, क्या क्या बन रहा है तो वो ही ना, वो क्या क्या बना बन रहा है। और फिर मन के लेवल पर वो क्या बनता है कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं संत हूँ, मेरा डेरा है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी है, तो मन के लेवल भी वो बड़ा कुछ बन गया। लेकिन क्या है, क्या वो दो है तो एक ही ना, एक ही मन है और एक ही शरीर है, लेकिन उसके रूप देखो कितने बनते हैं। जब तक आप इन सभी दर्जों से वापस नहीं आते, सभी दर्जों से वापस नहीं आते और वो नहीं बन जाते जो माँ की गोद में था, जिसमें ना बाप था, ना बेटा था, ना भाई था, ना बहन थी,
ना अफसर था ना कुछ था ना कुछ था ना कुछ था कुछ नहीं था ना, केवल बच्चा था। ना उसका उस वक्त कोई धर्म था, ना उस वक्त उसकी कोई जाति थी, ना उस वक्त उसका कोई देश था। तो वो क्या था? मिर्दाता फरमाते थे ईश्वर का ना जा दर्शन करना है तो बच्चे को देखो, उसमें बिल्कुल साफ है वो। लेकिन हम जैसे जैसे जीवन में बढ़ते गए कुछ न कुछ बनते गए। और दुई क्या, ती क्या, चौथी क्या, चार लड़ी क्या, पांच लड़ी क्या, सात लड़ी क्या, हम दस लड़ी में जकड़े हुए हैं। क्या कहा वे कुमार में, हम एक लड़ी में नहीं जकड़े हुए, हम दुविधा भी नहीं है, हम तो दुविधा से भी बहुत आगे निकल गए हैं। तो बताइए हम वापस कब जाएंगे, हम वापस कब जाएंगे, हम वो हालत कब हासिल करेंगे जब हम कुछ भी नहीं थे। दाता दयाल कहते हैं हम दीवाने बने हुए हैं, मस्ताने बने हुए हैं, कुछ बने हुए हैं। अरे बने हुए हैं तो बिगड़ोगे जरूर, ना बनने में ही सबसे आनंद है, कुछ ना बनने में ही शांति है, कुछ ना बनने में ही झगड़ा नहीं है। बनेंगे तो झगड़ा भी पैदा होगा, दुविधा भी पैदा होगी, दुष्टताई भी पैदा होगी, ईर्ष्या भी पैदा होगी, द्वेष भी पैदा हो गया, नफरत भी पैदा होगी, ना जाने कितनी कितनी बीमारियों से आप लंपट हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। जब लग दुविधा बसे ये में, तब लग नर दीवाने, जो इस दुविधा को तज भागे, जो इस दुविधा को तज भागे, सो है चतुर सियाने, सो है चतुर सियाने, छोड़ो मन के ताने। अब चतुर सियाना कौन बनेगा जो इस दुविधा से निकलेगा? यही बात कबीर साहब ने भी कही है कि जो उन्होंने एक बहुत बड़ा शब्द सुंदर लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ उन्होंने, वो दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तप अवे विनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना, सतनाम ताही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। तो सुजाना कौन होता है? जो इस बात को समझ जाता है वही सुजान है, वही चतुर है। चतुर तो बुरे शब्द में भी कहा गया है ना, वो बड़ा चतुर है, जो धोखे करने वाला चतुर है बड़ा, लेकिन संत मत में जो चतुर दूसरी बात को कहा गया है। तो कौन बनना? हमने सियाने बनना है, हमने दीवाने नहीं बनना। हम बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठे हैं, उन्होंने हमें दीवाने नहीं बनने दिया, हमें सियाने बनाया, हमें अपना रूप दिखाया कि तुम हो कौन, क्यों इन झगड़ों में पड़े हुए हो, कोई चीज़ तेरे साथ नहीं जाएगी जब तक तू निर्मल नहीं हो जाएगा, जब तक तू वो नहीं हो जाएगा जो शरीर से पहले था। बहुत ऊंची बात कही हुई मेरे दादा दयाल जी महाराज ने, शरीर मिलने से पहले मैं क्या था बताए कोई मुझे, कोई नहीं बता सकता, और कोई बताए कि मरने के बाद मैं कहा क्या होऊंगा, कोई नहीं बताया किसी ने। किसी जाकर के बाबा फकीर जी भी महाराज कहा करते थे, मैं चाहता हूँ जब मैं छोड़ूँ बाद में बताऊँ मैं कहाँ गया, अरे बूंद सागर में चली गई, क्या बताएंगे, कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन वो ही जाएंगे, कौन? संत, परम संत, वो जाएंगे सागर में वापस, जो मन में है, जो मन की इस झगड़े में पड़े हुए हैं, ताने बाने में पड़े हुए हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? वहाँ कभी नहीं जाएंगे, जो बेशक उल्टे होकर लटक जाएं। जब तक ताना बाना नहीं बंद होगा मन का, आप अभ्यास नहीं कर सकते। जब तक ताना बाना नहीं बंद होगा आप सिमरन नहीं कर सकते। जब तक ताना बाना बंद नहीं होगा आपके अंदर गुरु का मूर्ति या कोई प्रकाश नहीं आ सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए ये जो स्थान है फकीर जी महाराज का, बाबा फकीर जी महाराज का, जिनको दाता दयाल जी ने लिख कर दिया, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा,
तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दान। वो क्या करते थे, मेरा पानी ही, मेरा शब्द ही, मेरा सत्संग ही नाम दान है, लेकिन समझा किसी ने नहीं समझा। इसीलिए मैंने देखा है उन लोगों को, बहुत क्लोजली देखा है, और मैं भयभीत हो गया, डर गया। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता, मैं हंसते हंसते जाना चाहता हूँ, क्योंकि दाता ने मुझे राज़े हकीकत बता दी, असलियत बता दी, सच्चाई बता दी कि ये है बेटा असली सच्चाई। जब तक मन के साथ रहेगा तो मेरे से दूर रहेगा, जब मन के परे निकल जाएगा तो मेरे पास होगा। क्या कहा मैंने अशोक, आगे पढ़ो। अपने भाव आप सब भूले, फिरते हैं भरमाने। सब लोग अपने अपने मन के पीछे भ्रम में पड़े हुए हैं, कोई अपने दुख भी खुद ही पैदा किए, झगड़े भी खुद भी पैदा किए, द्वेष भी खुद ही पैदा किए, और जब उससे हालात बिगड़े फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, जा धर्म स्थानों में, वहाँ जाने से शायद हमारे घर में शांति आ जाए। कभी नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो मेरी, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, अपने अपने घरों को, अपने अपने घरों को मंदिर बना लो, अपने अपने घरों को ही पूजा स्थान बना लो। क्या मैंने फेसबुक पर लिखा एक दिन, सारा मैंने फेसबुक पर लिखा कि घर एक वाटिका है, घर एक वाटिका है, वाटिका मीन बगीचा है, माँ बाप उसके माली और मालिन हैं, बच्चे उसके पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। जैसे पेड़ पौधों को हम पालकर पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, और वो फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और फूल भी देते हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे हैं। अगर माँ बाप ही माली मालिनी बिगड़ जाए तो वो बगीचा बर्बाद हो जाएगा, वो बगीचा कभी फले फूलेगा नहीं। क्या कहा मैंने, लेकिन हम ये बने हुए हैं अपने आप में, कहते मैं ही तो ठीक हूँ, कोई कहता मेरा गुरु बड़ा, कोई कहता मेरा गुरु बड़ा, कोई कहता मेरा गुरु बड़ा। गुरु तो कभी भेदभाव नहीं है, गुरु तो एक ही है, और वो है ज्ञान, वो है समझ, वो है विवेक, और वो है अनुभव। क्या कहा मैंने, समझ और चीज है, विवेक और चीज है, ज्ञान और चीज है, और अनुभव सबसे ऊंचा है। जब इंसान को अनुभव हो जाता है उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं कल मैं बैठा था, मेरे चिंतन हो गया, चिंतन शुरू हो गया दिमाग में कि ये तीन शब्द हैं, निर्वाण, मोक्ष और मुक्ति, तीन शब्द हैं ना हमारे भारत में, तीन शब्द। कोई कहता निर्वाण हो गया उसका, कोई कहता उसका मोक्ष हो गया, कोई कहता उसकी मुक्ति हो गई। ये तीन शब्द क्यों हैं, ये तीन शब्द हमारी हालतें हैं, सुन लो, वो भी सुना देता हूँ। हम दीवाने नहीं बनने आए, हम दौड़ने वाले नहीं बनने आए। निर्वाण में आप कब पहुँचोगे, निर्वाण की पोजीशन हमारी तब होती है जब हमारे मन के ख्याल सभी बंद हो जाते हैं। बाण का मतलब है आदत, मन की आदत है ख्यालों को पैदा करना, जो देखा उसके ऊपर सोचता, जो सुना उसके पीछे लग गया, जो खाया उसके पीछे लग गया, ऐसा ही है ना। और मन क्या है, जब ये बात समझ में आ गई तो जब आप मन को छोड़ जाएंगे तो आप निर्वाण को प्राप्त होंगे। शरीर तो मिट्टी हो ही जाएगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हर संत ने अपने अपने ख्याल से मन के ऊपर विचार प्रकट किए हैं, सब संतों ने मन के ऊपर ज्यादा बल दिया है, क्योंकि मन ही तो सब कुछ है। हे मन मेरे तू सदा रो, हर नाल रो मन मेरे, तेरा दुख सब विसारना, मन को कहा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, मन को कहा।
कबीर साहब ने क्या कहा, मन तू थकत थकत थक जा, ये मन तू थक जा। और फिर कबीर साहब ने एक जगह ये भी कह दिया, ये मन है बड़ा जालम, जिसको इससे काम पड़े वो ताको ही है मालूम। मन के मन को ही कहा, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जिस जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। तो साधु तो वही बनेगा जो मन पर सवार हो गया, हम तो उस मन पर सवार नहीं होते तो निर्वाण कैसे होगा, नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, ऐसे लोग कहते हो निर्वाण को प्राप्त हो गया, नंबर वन। अब अगला है मोक्ष। मोक्ष एक शब्द कैसे बना, मैं निर्वाण का भी बताया, वाण मीन आदत, आदत जिसको आदत है, मन को आदत है बदलते रहना बदलते रहना बदलते रहना, फिर नहीं होता। और मोक्ष कहते हैं ये दो शब्दों से बना, मो क्षय, क्षय मीन नाश हो जाना, मोह का खत्म हो जाना। जब हमारा किसी चीज से मोह खत्म हो जाएगा, लगाव खत्म हो जाएगा, हम केवल अपने मालिक से जुड़ जाएंगे और बाकी किसी ना देवता से ना देवी से ना धर्म स्थान से ना गुरु के रूप से ना गुरु के डेरे से ना बाल से ना बच्चों, जब हम फ्री हो जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या कहा मैंने, सत्संग है बाबा फकीर का, ये है दूसरी स्टेज हमारी, मोह खत्म, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ व्यवहार है, व्यवहार करना जब तक जीते हैं हम वो करना ही पड़ेगा। और फिर आक्ष आक्ष में मुक्ति, मुक्ति कब होगी, जब हमारा शरीर चला जाएगा, हमारा मन भी चला जाएगा, हमारी आत्मा भी प्रकाश में चली जाएगी और हमारी सुरत जो हम मैं हूँ वास्तव में वो वापस अपने बड़े सुरत में चला जाएगा, तब होगी मुक्ति। वो है आखिरी स्टेज और वो केवल उनको प्राप्त होती है जिस पर दया आदिकर्ता की सोजे न्यामत पावे, जिस पर उसकी दया हो जाती है वो इन स्टेजेस को पार करता है। बाकी सारी दुनिया यहाँ फंसी हुई है। कौन सी लाइन पढ़ो, अपने भाव आप सब भूले फिरते हैं भरमाने, सब भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है जो मैंने समझा, वो भ्रम है कि जो कुछ हमारे अंदर प्रकट होता है, जब हम अभ्यास में बैठते हैं, गुरु आ गया, नाचने लग गया, गुरु आया जी, मेरा गुरु आ काम कर गया, मेरा गुरु आ काम कर गया। गुरु तो आता ही नहीं है, गुरु तो है ही ज्ञान, गुरु तो है ही अनुभव, वो कैसे आएगा। बाबा फकीर यही तो जोर लगा गया सारी उम्र कि मैं कहीं नहीं जाता, कोई देवी किसी के अंदर प्रकट नहीं होती, कोई देवता किसी के अंदर प्रकट नहीं होता और कोई गुरु भी किसी के अंदर प्रकट नहीं होता, लेकिन तुम सब दीवाने बने हुए हो और भटके हुए हो, भटक रहे हो, और जब तक तुम्हारा भटकना नहीं बंद होगा ना तुम्हें निर्वाण प्राप्त होगा, ना तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। दोष लगावे सृष्टि कर्म को, दोष लगावे सृष्टि कर्म को, सार भेद नहीं जाने। दाता दयाल जी कहते हैं जब लोगों को तंगी होती है, तकलीफ होती है, कोई ऐसी आपत्ति आ जाती जिसके जिम्मेदार तो वो खुद हैं, लेकिन दोष भगवान को लगाते हैं, ओ भगवान ना तू की कर दिता, मैनू लुट लिया तू, मैनू यह कर दिता तू, मेरा कुछ नहीं छोड़ा। करते ना लोग ईश्वर को ही दोष देने लग जाते हैं कि तू बड़ा जालिम है, तूने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने लुट लिया तू, क्या काम। देखो लोगों को आप, मैं आपको अपने एक आंखों देखी बात सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक जाट था जिनकी जमीन मेरे बाबा जी ने खरीद कर वहाँ मकान बनाया। वो कम्युनिस्ट था, वो भगवान को नहीं मानता था ना। ओ मैनू कही दो पाड़ू के दी भक्ति करना तू मैं कहना मैं नहीं भक्ति करता, मैं पढ़ रहा। आता सी ना साढ़े कोल दी नंगड़ा सी कहते कहीं तो सोटा होंदा सी उहदे हाथ विच, तो भगवान को नहीं मानता था, गुरुद्वारे नहीं जाता था, कहता कौन सा भगवान, कहाँ है भगवान।
उसका बड़ा लड़का इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड से वो वापस आया, उस वक्त मैं दसवीं में था। वो बाहर गया जंगल पानी, गांव में कोई ऐसी तो था नहीं, कोई घर में फ्लश नहीं होते थे, अभी नहीं है लोगों के, गरीब लोगों के कहाँ हैं। तो जब वो वापस आया तो तालाब था पानी का सारा, हमारे घर के पीछे, हमारे घर के आगे भी एक तालाब था, हमारे घर के पीछे भी एक तालाब था। हमारा घर बहुत अच्छी जगह थे, अब तो वहाँ सब लोग ही लोग हो गए। तो वो कहीं वहाँ हाथ धोने लगा तो वही उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। बहुत अच्छा लड़का था, कोई बीमारी नहीं, हार्ट फेल हो गया। तब मैंने उसको देखा, तब मैं उस सरदार जी को देखा, ओ रब्बा तू मैंने लुट लिया, ओ रब्बा तू मैंने लुट लिया, तू मेरे ना बड़ा न्याय किया। मैं कह लै अज रब याद आया, वैसे नहीं याद आया, मैं अपनी आंखों से देखा है। तब हम रब को देते हैं दोष, जब हमें आनंद है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, कोई गल नहीं, 24 घंटे टीवी देखने मिल रहा, अच्छा फिर टेलीफोन मिल रहा, लग कन्नू लगा हर वेले, दुनिया की कोई सुध नहीं, तुरे फिरते भी मोबाइल कान में, और कई आप तो मैं देखा कि कान में लगाया हुआ किसी ने कुछ, वो भी चलते चलते, उनको कहाँ भगवान की सिद्ध है, खाली उन्होंने नाम दान लिए हुए हैं। ये तो बात सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या है ये खेल क्या है, क्या उनको कभी उसकी सुध हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, चाहे वो जहाँ मर्जी जाए, क्योंकि उनके मन को उनकी वासना ने, उसकी कामना ने उनके मन को काबू किया हुआ है, और वो अपनी सुध ले ही नहीं सकते, वो अपने आप में ही दीवाने बने हुए हैं। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। मन के खटपट उमर गवाई, मन के खटपट उमर गवाई, मन की गति रवि छाने, मन की खटपट में पड़े रहे। जानते हो खटपट क्या होती है, कभी ये सोच कभी वो सोच, कभी इधर जा कभी उधर जा, किसी को मित्र बनाया, किसी को शत्रु बनाया, किसी पर केस कर दिया, सास की बहू से नहीं बनी, बहू की सास से नहीं बनी, पत्नी की पति से नहीं, पति की पत्नी से नहीं बनी, ये और क्या, मन की खटपटी तो है ना। पति पत्नी को समझता है कि मेरी अर्धांगनी है, ना पत्नी समझती है कि तू कौन है। और जो फेरे लाए होंगे ना अगले आदवाए, वो अग्नि पंडित बथेरा कुछ कहता, उस वेले बड़ा कुछ समझाता पंडित, दोनों तीवी आदमी बड़ा समझाता कि तुम इतना जीना है, तुम यह करना, तुम वह करना, ले कसम न खाए। वो पंडित गया नहीं तो हनीमून पर चले जाते हैं। क्या कहा मैंने, कौन सोचता है बातों को, हमारी संस्कृति तबाह हो गई है। जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, तो सनातन धर्म नहीं रहा। सनातन धर्म में क्या है, सनातन धर्म की शिक्षा सुनो, गुरु मत की शिक्षा सुनो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। ये है हमारा संस्कृति, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ये है गुरु हमारी संस्कृति, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारा मोह दुनिया से तभी खत्म होगा जब हमारा गुरु के साथ प्रेम होगा। मैं पूछता हूँ आज दुनिया वालों को कि जब भगवान राम का गुरु था तुम्हारा गुरु कौन है, जब भगवान कृष्ण का गुरु था तो तुम्हारा गुरु कौन है। तुम गुरु की परंपरा को ही भूल गए, संदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु थे और विशिष्ट जी भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने उनको शिक्षा दी और समझाया कि राजे हकीकत क्या है। क्या आज वो चीज़ हमारे देश में कहीं है, हम तो लड़ रहे हैं किसके पीछे, किसके पीछे, गड़या देवा खुदी बना लिया, देवा खुदी बना लिया भगवान, हम उसके ही पीछे लड़ रहे हैं। और जिसको भगवान ने बनाया
उसको तो हम पहचानते ही नहीं कि ये भी मेरा ही रूप है, ये भी भगवान का रूप है। कोई किसी नाम से लड़ रहा है, कोई किसी नाम से लड़ रहा है, तो बताइए क्या है ये हमारा देश। जब हम सनातन धर्म में जब तक नहीं आएंगे, हमारा इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हम सनातन को भूल गए, हम गुरु मत को भूल गए, हम संतों की वाणी को भूल गए, हम मनमत हो गए, और तब हम बिगड़ गए हैं, बट गए हैं, द्वेष में खेल रहे हैं, ईर्ष्या में चल रहे हैं, शत्रुता में पल रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? आप खुद सोचो, विचार करो। हम मानवता मंदिर में बैठे हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर धर्म का झंडा नहीं जा रहा, यहाँ पर इंसान बनो का झंडा जा रहा है। और वक्त आएगा कि इंसान बनकर आएगा, बनेगा। कुदरत ने ऐसा झंडा मारना है कि सब इंसान बने। आने वाला है वक्त, देखना अपने, आगे बढ़ो। मन के खटे पटे उमर गवाई, मन की गति न पिछाने, झटपट में है सभी, बस और क्या है। मन को समझा ही नहीं कि क्या मन है, क्या तुम मन नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। पूछो अपने आप को, तुम्हारा शरीर पर क्या अधिकार है, पूछो अपने आप को। मैं जब कभी इंटेलिजेंट लोग मेरे साथ मिलते हैं, पढ़े लिखे, उनको पूछता हूँ तुम बताओ तुम्हारे शरीर पर क्या हक है, तुम्हारा क्या कंट्रोल है, बताओ। सांस लेने पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम्हारा उस पर कंट्रोल है, तुम्हारी नब्ज चल रही, तुम्हारा कंट्रोल है, तुम खा पी लेते हो, क्या तुम दौड़ते हो कि मेरी रोटी पच जाए, कौन पचाने वाला है। कहते बात तो बाबा जी आप ठीक कहते हैं, तो जो वो जो तुम्हारे अंदर बैठा फिर उसको देखो, जो तुम्हारा हर वक्त पैरा करता है उसको देखो, तुम सो जाते हो फिर भी वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, उसको पहचानो, वो तुम कौन हो। मान जाते हैं कि बात ठीक है, फिर भी मन की खटपट उनको छोड़ती नहीं है, कंबल नहीं छोड़ता ना छाज। वो कहते हैं, मुझे बुजुर्गों ने एक बात सुनाई, हमारे बुजुर्ग पुरानी बातें सुनाते थे। कहते एक दफा गिद्ड़ कहीं आता आता रंगरेजवा की और उस ग्राही में गिर गया जिसमें रंग भरा हुआ था। गिद्ड़ जानते हैं आप, गिद्ड़ जानवर होता है, शहरों में नहीं होता, गांव में बहुत बड़े बोलते थे हमारे गांव में। तो वो रंग गया, तो जब वो अपने परिवार में गया वापस, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया तेनु। कहता मैनू पिंड वाले ने सरपंच बना दिता, मैनू गांव वाले ने सरपंच बना दिता, हूँ असी मैं तुसी मेरे नाल चलो जिथे मर्जी चलना, तुहानू कोई कुत्ता नहीं भौंकूगा, तुहानू कोई कुछ नहीं कहूगा, क्योंकि मैं सरपंच हाँ। बात को समझते हो। तो गिदड़ उनका कहना मान गए, चलो भाई चलते हैं देखते हैं। जैसे वो पहुंचे नजदीक गांव के, तो कुत्ते आ गए, कुत्ते दौड़े उनके पीछे, सभी दौड़े, सभी गिदड़ भी दौड़ने लगे, वो भी दौड़ने लगे। तो जो बाकी गिदड़ थे वो तो अपनी अपनी गिदड़ों में चले गए, जहां जहां भी उन्होंने छुपना था छुप गए, वो रह गया पीछे। वो गिद्ध कहने आ जा, तुम भी जल्दी आ जा। कहते करूँ क्या, ये पंचायत का छज मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं ऐसे नहीं चला जाता। बात समझ गए, हमारे सब ने छज पहना हुआ है, काहे का, अहम का। बात को पकड़ा अपने में, क्या कहा, अहम हमें खा रहा है, मैं हूँ, देखूंगा मैं तुहानू। कह देते ना आदमी, मैं तेनू देख लूंगा, मैं काहे की मैं है, वो न जाने कब हवा निकल जाए, तू ही तू रह जाएगा, मन में नहीं रहेगा, क्या कहा मैंने। तो छज नहीं बनना ना, छज नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। छल बल कपट सियानत झूठे, छल बल कपट सियानत झूठे, इसकी फांसे फसाने। कहते हैं तूने छल बल किया सबके साथ, किस किस की बात करूं दाता दयाल। कहते हैं छल बल क्या, वो एक दिन मैं
ऐसे बच्चे हैं ना हमारे, वो तो देखते हैं मोबाइल, तो मैंने बेटे दिखाया, आ देखो जी की कर रहे हैं रेहड़ियों से सब्जी बेचने वाले की कर रहे हैं, दिखा बेटा। तो रेहड़ी पर जो सब्जी बेच रहा है उसने पहले ही एक थैला भर के सब्जी का जा सेब का जा कोई भी चीज़ का मटर का वो एक थैला भर के थले पिछले पास लटकाया, अपने पास लटकाया रेहड़ी का। कोई बीबी आती कहती भाई सेब के दर ते कहना इन्ने दे अच्छा तोल दे, एक किलो तोल दिते देते तो पैसे लगे क्ढन, हूँ किया लफाफा थले कर लिया तो दूजा लफाफा थोड़ा जरा रख वो मूहे रख हूँ उन्होंने बेचारे की पता एक सेब कर लिया तो दो कड़ लै वो लैके चली गई। कोई आदमी देखता रहा पिछे भी ये की करता, वह भी जाके कहता भी मैं सेब देना दो किलो, वाह जी वाह उन्हें बड़ा लफाफा कटिया, उन्हें पहले ही दो किलो का भी रखा से पिछले पास कट तोल कट तोल के डेढ़ किलो हो गए वे। तो जिस दिन सेब तोले तोल के उन्हें देखा कहता अच्छा भाई पैसे पैसे उन्हें देने लगा तो उन्हें उही चल वो बिखेली, उन्हें लफाफा छोटा बड़ा रख लिया तो छोटा उन्होंने फड़ाता, कहता ये काका ये तो दो किलो है नहीं ये तो हल्का है, कहना लो जी कितने हल्का मैं तो थोड़े सामने तोलिया, कहना दोबारा रख इन रख तो दोबारा तो तकड़ी तो मैं दिखाड़ कि जल्द तोलिया तो कट वो पिछे आ गया, वो कहता आ की आ लफाफा आ कट हूँ इन रख उत्ते रखे तो पूरा दो किलो और जो पहला हूँ दे दिया से डेढ़ किलो। हूँ फिर छतरौली जी की ये तो हम कर रहे हैं, दूध में पानी दालों में पत्थर सब्जियों को टीके लग रहे हैं ना, का क्या खा रहे हैं हम, वो इन्ने बड़े धर्म देश में एडे एडे बड़ू गुरु बैठे हुए और सानू ये नहीं दसते भी टीका नहीं लाना सब्जियां वो यहाँ दालें तुसी आ नहीं चीज पानी ये नहीं दसते, कोई सारे मोक्ष दे रहे सारे नाम ले जाओ गुरु जो मरते समय ले जाएगा परमात्मा तुहानू गले ला लेगा तुसी मेरे तो नाम लो बस बाकी कुछ को जान की लोड़ नहीं है। कोई बताता जीवन जीने की बात, बाकी जो मर्जी करो। वो बंदा मैनू कहंदा पुणे वाला महाराज जी जब से नाम लिया ना मैं मीट खाता हूँ ना मैं शराब पीता हूँ, मैं कहता है तू मीट सट जाए शराब सट तेरे तू तो सब कुछ ही खा रहे हैं, तेरे सब तो ज्यादा गुस्सा तेरे च सब तो ज्यादा हेरा फेरी तेरे च, तू दुकान पर जाके की करना दस मैनू तेरी दुकान का पट्ठा क्यों बैठे तेन कुदरत सजा दे रही है कि तू नाम भी ले लिया फिर भी झूठ बोलता, तू नाम लेके फिर हेरा फेरी करदा किस लिए बता मुझे। फिर नहीं बोला नाम ले लिया फिर जो मर्जी करो पर शराब का मांस नहीं खाना शराब नहीं पीनी मांस नहीं खाना बाकी जो मर्जी करो झूठ बोलो हेरा फेरी करो दगा करो जो मर्जी करो, यहाँ ये बात नहीं चलेगी बाबा फकीर की जगह में नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, तभी ध्यान होगा जब तुम अंदर से साफ हो जाओगे सबको एक जैसा समझोगे मेरे जैसा है तू भी मेरे जैसा तू भी मेरे जैसा सब वही तो विराजमान है, मगर हमने क्या किया हमने अहम के में आकर ये काम कर रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं खटपट कर रहे हैं 420 कर रहे हैं चोरी कर रहे हैं दगा कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, काहे के नामधारी हो गए हम दगा करते अपने आप से भी और गुरु से भी दगा कर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन शब्द में झूमते डोले बिन शब्द में झूमते डोले जो भुजंग लहराने कहते हैं आप लोग भी ऐसे झूम रहे हो जैसे सांप बीन के ऊपर सिर घुमाता है, तुम अपने अहम में तुम भी ऐसे ही घूम रहे हो कि बस मैं ही हूँ जो कुछ है मैंने वहाँ से नाम लिया हुआ मेरा गुरु वो है मेरा गुरु वो है। तुमने गुरु को इंसान समझा इसीलिए कबीर साहब ने तो दावे से पहले कहा गुरबाणी कहती है
बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। बाणी को तो कोई सुनता नहीं, गुरु की मूर्ति को फूल चढ़ा रहे हैं। गुरु को मनुष्य जानते के नर के ये अंध दुखी होए संसार में आगे चमका फन। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीर का दास को तीन ता बर्मा। सतगुरु तुम्हारे अंदर है, गुरु का फर्ज ये है कि वो अपने शिष्य को ये बताए कि सतगुरु तेरे अपने अंदर है। और वो कौन है सतगुरु? तेरा अपना आपा ही सतगुरु है। तेरे अंदर ही प्रकाश है, तेरे अंदर ही शब्द है। और मैं तो कभी कभी ये कह देता हूँ, पता नहीं मैं झूठ कहता हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐ इंसान, मालिक ने तुम्हें 14 कला संपूर्ण बनाया हुआ है। 14 कला तू संपूर्ण है, पूरा है। 5 कर्म इंद्रियां तुम्हें पूरी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां तुम्हें पूरी हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, 10, 4, 14। 2 चीज़ें तेरे में नहीं हैं, वो है प्रकाश और शब्द। अगर तुम्हारे अंदर प्रकाश और शब्द आ जाए, तुम भी 16 कला संपूर्ण होगे। और जो 16 कला संपूर्ण होता है वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। क्या कहा मैंने? विचार करो क्या मैं कह रहा हूँ, सोचो, इस पर चिंतन करो, चिंतन करके इस पर चलने की कोशिश करो, खोज करो अपने अंदर, बाहर कुछ नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। दादा दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को कहा, बहुत बार वो कहा करते थे हमें, दादा दयाल मुझे बड़ा कहते रहे फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों श्वास। कहते मेरे को इस बात की समझ नहीं लगती थी। जब उन्होंने ये कहा कि गुरु तेरे सांस में है, तेरे सा में है, तो मैं फिर मजबूर हो गया देखने के लिए कि अंदर सा लेने वाला कौन है। तब पता चला ओ दाता दयाल जी मुझे क्या कहना चाहते थे, मैं समझ नहीं सका। ऐ सत्संगियों, तुम्हारी कृपा से मुझे ये पता चला। जब तुम कहते को मैं आया, मैं नहीं गया, मुझे भी ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर में जो कुछ पैदा होता है वो था नहीं, बिल्कुल मेरा ही मन था, तो मैं मन के आगे चला गया। क्या कहा मैंने? ये परम दयाल जी महाराज के शब्द मैं कह रहा हूँ। आगे बिन शब्द में घूमत डोले जो भुजंग लहराने, तैसे माया ममता में सबो, तैसे माया ममता में सबो, अधम रहे अटकाने। माया और ममता, माया पैसा नहीं है, संतों की माया पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत माया नहीं है। संतों की माया है हमारे अंदर जो ख्याल पैदा होता है और बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेती है और हम उसी में फिर लंपट हो जाते हैं, वो है माया। माया मीन, बाबा जी महाराज फरमाया करते थे, मा मीन मापना या मीन यंत्र, कोई चीज़ को मापने वाली जो चीज़ है उसको माया कहते हैं। और हमारी बुद्धि ही माया है, हमारी सोच माया है। इसलिए संतों ने कहा जो जो अध्यात्म है वो माया से परे है, जो अध्यात्म है इंटेलेक्ट से परे है, वहाँ बुद्धि नहीं है। नो, जब तक आप बुद्धि में बैठे हैं, मन में बैठे हैं, बुद्धि में बैठे हैं, सोच में बैठे हैं, विचार में बैठे हैं, वहाँ आप नहीं जा सकते। वहाँ विचार नहीं है, वहाँ कोई दृश्य नहीं है, वहाँ गुरु का रूप नहीं है, वहाँ तो केवल एक शब्द है और प्रकाश है। इसलिए कह रहे हैं कि सारी दुनिया तो माया में फंसी हुई है, माया के मोह में फंसी हुई है। ख्याल आया उसके पीछे दौड़ पड़े, विचार आया उसके पीछे दौड़ पड़े, सो मन का ही ताना बाना बनते हैं और सारा दिन उसी में ही हम फंसे रहते हैं। अपने आप में कभी सोचते नहीं कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, मैं कौन हूँ। यही ये बात जो थे स्वामी विवेकानंद, उनको यही सवाल आगे ले गया कि मैं कौन हूँ। बस जब उनको अपनी खोज की पता लग गया कि मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। मनोराज की अटपट लीला, क्य
जा कोई बरन बखाने मनोराज की अट पट लीला क्या कोई बरन बखाने। दादा जी कहते हैं मन की सारी खटपट देखी मैंने, क्या बताऊं, कौन बताए इसके बारे में, मैंने सारी खटपट देख ली है। आगे राधा स्वामी में हर बिनाए है प्राणी, राधा स्वामी में हर बिनाए है प्राणी, जम के हाथ बिताने, जम के हाथ बिताने, छोड़ो मन के ताना। की दया के बगैर ये बात समझ में नहीं लगेगी। तो राधा स्वामी कौन हुआ, राधा स्वामी कौन हुआ, राधा स्वामी वो हुआ जो राधा स्वामी में रहता है। वो राधा स्वामी कहाँ रहता है, वो किसी डेरे में नहीं रहता, वो इंसान के अपने अंदर है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, वो कहाँ है, वो यहाँ है। जो महापुरुष, जो संत, जो सतगुरु, जो महापुरुष जिसने रियलाइज कर लिया कि जो कुछ है ऐ इंसान तेरे अपने अंदर है और वो उसी में रहता है, जब वो बोलता है तो वो ही हमारी सारी कामनाओं को, हमारी सारी माया को लपेट देता है। जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज थे, जिनकी संगत में बैठकर मुझे ये समझ लगी कि माया है क्या, मुझे समझ लगी कि मन है क्या, मुझे ये समझ लगी कि मन क्या क्या खेल खिलाता है। और जब उन्होंने ये कहा कि बेटा अपने मन की किताब पढ़ा कर, तो मन की किताब पढ़ते पढ़ते मुझे पता लग गया, ओहो ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ये तो तब पैदा होता है जब अंदर प्रकाश होता है, तब पैदा होता है। तो इसको बंद कर दिया और आगे चले। आगे चलकर क्या मिला, अपना आपा, और क्या मिला, अपना आपा। आखिरी लाइन है बस फिर पढ़ दो वही आना है ना। आखिर मनोराज की अटपट लीला क्या कोई बरन बखाने, राधा स्वामी में है बिना यह प्राणी, जम के हाथ बिताने। जम क्या है, बुरे ख्याल, हमारे ख्याल ही हमारा जम है और कुछ भी नहीं। अच्छे विचार धर्मराज में ले जाएंगे, बुरे विचार जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, मैं तू के भरे हुए हैं, कोई किसी डेरे से जुड़ा है, कोई किसी डेरे से जुड़ा है, कोई किसी को बड़ा गुरु मानता है, कोई किसी, ये सब जम राज है। क्या कहा मैंने, फिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का सवारे। ठहर जाओ, जहाँ भी ठहरे हो ठहर जाओ, एक को पकड़ो, एक को मानो और उसी पर कुर्बान हो जाओ, तुम्हें ये मन के रूप का पता लग जाएगा और तुम जम रूप से बच जाओगे। इसीलिए कहा कि राधा स्वामी तुम्हें जम रूप से बचाएगा, वरना दूसरा जम दूत से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कहा, आपको सारे मन की हालत बता दी और मन के सारे खेल भी आपको बता दिए। चलना आपने है, आपने चलोगे तो कुछ प्राप्त करोगे, नहीं चलोगे तो आपकी मौज, अगर और नहीं होता तो ये मान लो कि हमारा कोई मालिक है बस, और वो क्या है, वो प्रकाश और शब्द है, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।